चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज के इस वीडियो में आपको ओवरसीज प्राइम सेक्टर सी के वाले से एक्सप्लेन करूंगा सेक्टर सी में अगर आपको आने वाले दिनों में नाइन्थ में ऑनवर्ड्स आपको लोकेशन चूजिंग का ऑप्शन मिलता है तो आप कौन से प्लॉट जो आपके लिए रिकमेंडेड हैं कौन से प्लॉट जो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है तो इसको अगर आपका ऑप्शन है सिलेक्शन का आप बारह मरल के प्लॉट को लेकर स्पेसिफिकली तो इन ऑप्शन को लाजमी कंसिडर करें होपफुली आपको फायदा होगा मेरा इससे किसी क्लाइंट के साथ पर्सनल ताल्लुक नहीं है इस लिहाज से जिन क्लाइंट्स को मैंने लोकेशन चूज़ करवानी थी जो मेरे जाती क्लाइंट थे शहर यार भाई अहसान भाई जू के के जितने मेरे क्लाइंट थे ट्वेल्व मरला के जिनके प्लाट्स थे तो हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंटेज की प्लाट जो है सिलेक्शन कर ली हुई है बट मैं आपको इन जनरल एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका प्लॉट अगर लेट्स आपने यहाँ स्लेज लोकेशन चूजिंग करनी है तो आपके लिए कौन से प्लॉट जो बेनिफिशियल हैं अदरवाइज कौन से प्लॉट ऐसे हैं जो बेनिफिशियल नहीं हैं सेक्टर सी के वाले से अगर मैं बात करूं तो सेक्टर सी शायद एक ऐसा ब्लॉक होगा या वन ऑफ दोज ब्लॉक जिसमें जीरो परसेंट डिप्रेशन है यानी पूरे ब्लॉक में जितना एरिया वो पहाड़ी एरिया था पहाड़ियाँ काट के लेवल करना पड़ा है किसी जगह पे डिप्रेशन या फिलिंग का आंसर आपको नहीं मिलता पूरे सेक्टर में अगर इसकी स्ट्रीट्स की बात करें तो टोटल तो सेक्टर में जो स्ट्रीट्स बनती हैं आई थिंक छः स्ट्रीट्स बनती हैं यही छः स्ट्रीट्स नजर आ रही हैं और लेंस की अगर बात करें तो लेन वन से लेकर लेन फाइव टोटल पांच लेन और छह स्ट्रीट्स हैं बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं है टोटल मैं गिनती के प्लॉट करो काउंट करूँ तो यहां पे शायद 200 से 250 प्लॉट होगा टोटल ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं शायद 200 के आसपास प्लॉट होगा ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है लेकिन बारह मरला का ऑप्शन अगर आपके पास मौजूद है और आपके पास बारह मरला का प्लॉट है तो सेक्टर सी में आपको जहां भी प्लॉट मिलता है ना उसको ले लें मैं सबसे पहले सेक्टर सी की चार साइड एक्सप्लेन करता हूँ चार साइड्स के अलावा इसकी डायमेंशन एक्सप्लेन कर दूँगा प्लॉट की और आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना अलाउड है और आल जो गूगल अर्थ पे इमेजेस होंगी मैं तमाम चीज़ें वीडियो में आगे जाकर शेयर कर दूँगा सबसे पहले बात करते हैं जी सेक्टर सी की चार साइड्स की अगर हम बात करें इसकी साइड पे तो नॉर्थ साइड पे इसके ऊपर वाली साइड पे बनता है आपका सेक्टर बी जो कि मिक्स ब्लॉक है सात बारह और कनाल के प्लॉट्स का अगर हम बात करें इसकी ईस्ट साइड पर तो ईस्ट साइड पर कमर्शियल बनता है और कमर्शल की बैक साइड पर चक्री रोड है और चक्री रोड आगे जाके कनेक्ट करती है विद द रिंग रोड इंटरचेंज ऑफ फ्यूचर में जाके बनने वाला है अगर हम बात करें इसकी वेस्ट साइड पर तो वेस्ट साइड इसकी ओपन है और यहां से आपको एक अच्छी बात यह कि ये, ये एलिवेटेड एरिया है और एलिवेटेड एरिया से आपको गोल्फ कोर्स का व्यू बड़ा क्लियर किस्म का मिलता है कि आपको गोल्फ कोर्स यहाँ से बड़ा अच्छा नजर आता है इस सेक्टर से जो प्लॉट्स होंगे स्पेसिफिकली ये जो प्लॉट है फ्रंट बैक ओपन वाले ये सारे प्लॉट आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्लॉट हैं अगर आपके पास प्लॉट हैं या ऑप्शन मिलता है या चूज करने का डेफिनेटली चूज़ करें क्योंकि अगर आप मैं देखूँ इन प्लॉट के नंबर्स देखूँ प्लॉट नंबर स्टार्ट होता है ये 22 से 64 तक जो टोटल प्लॉट बनते हैं यहाँ पे आई थिंक 42 प्लॉट बनते हैं ये जो 42 प्लॉट हैं ये 42 कॉर्नर प्लॉट हैं यानी आपके डबल साइड ओपन प्लॉट हैं और कुछ प्लॉट तो माशाल्लाह बीच में ऐसे हैं जो मतलब डबल कैटेगरी बन जाते हैं जैसे प्लॉट पैंतीस प्लॉट छत्तीस ये जो प्लॉट हो गए और प्लॉट उनचास प्लॉट नंबर पचास ये जो प्लॉट हैं स्ट्रीट नंबर सॉरी स्ट्रीट नंबर फोर पे ये जो प्लॉट हैं ये सारे के सारे कॉर्नर इसलिए काउंट होते हैं क्योंकि ये प्लॉट फ्रंट बैक ओपन है कॉर्नर प्लॉट का मतलब होता है टू साइड ओपन यानी जैसे ये प्लॉट है ना कॉर्नर प्लॉट प्लॉट नंबर फाइव ये इसलिए अच्छा प्लॉट है कि इससे सामने वाली साइड से स्ट्रीट नंबर फोर से भी इसका ओपन है और इसकी राइट right साइड जो लेन नंबर फाइव है इससे भी लेन नंबर सिक्स इससे भी ओपन है तो ये दोनों साइड से ये ओपन बनता है प्लॉट तो इसलिए कॉर्नर काउंट होता है सेम फॉर दिस के कि मरला के जितने प्लॉट्स हैं प्लॉट नंबर ट्वेंटी टू टू प्लाट नंबर सिक्सटी फोर फोर्टी टू प्लाट जो बनते हैं सारे के सारे प्लॉट कॉर्नर प्लॉट काउंट होते हैं तो कोई भी प्लॉट मिलता है इनमें से आंखें बंद करके ले लें एक तो बात है कि आपको वेंटिलेशन फ्रंट से मिलती है बैक पर आपको एक्स्ट्रा लैंड वैसे ही फ्री मिल जाती है यानी या आपको सोसाइटी यहाँ पे कोई नया प्लॉट नहीं करेगी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी तो आप घर की बैक साइड पर आपको स्टीपिंग साइड पर एक लॉन मिल जाता है अगर अपनी मर्जी से चाहें, तो बेसमेंट के साथ लॉन को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं जो अगर आप अच्छे आर्किटेक्ट के साथ या अच्छे डिजाइन के साथ घर बनाएं, तो यह बहुत ज्यादा प्राइम लोकेशन है ट्वेंटी प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर फोर पे जितने हैं अच्छे प्लाट चूज़ करें इसके अलावा जी बाकी प्लॉट सोसाइटी ने जितने कुछ विलास लिए रिज़र्व किए हुए हैं यहाँ पे आधे तो आई थिंक ये चौदह प्लाट यहाँ पे विलास लिए रिजर्व हैं और यहाँ पर कुछ प्लाट जो आई थिंक बनते दो चार छः जी बारह चौदह ये और बारह प्लॉट ये तकरीबन आपके ब्लॉट जो है छब्बीस प्लॉट यहाँ बन जाते हैं और चार प्लॉट यहाँ पे तीस प्लॉट सोसाइटी ने विलास के लिए रिजर्व किए इस साइड पर और इस साइड तकरीबन आठ प्लॉट बनते हैं जो विलास के लिए रिजर्व हैं बाकी तमाम के तमाम प्लॉट जो है वो आम जनरल मेंबर के लिए अवेलेबल हैं इस ब्लॉक में एक पार्क मौजूद है छोटा सा कोई मेजर पार्क यहाँ मौजूद नहीं है हाँ इस ब्लॉक की अच्छी बात यह कि आपको इस ब्लॉक से वॉकिंग डिस्टेंस पे मॉस्क मिल जाती है यहाँ पर जो रेड बॉक्स आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में सोसाइटी यहाँ पे मस्जिद की कंस्ट्रक्शन करेगी जो एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होगी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको जो मेन चीज कॉज होता है आपका मस्जिद का पास होना बहुत जरूरी चीज़ होती है आमने-सामने मस्जिद प्लॉट के अच्छे नहीं होते जो प्लॉट नंबर वन से लेकर प्लॉट नंबर 14 है ये नहीं पहला हाफ प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर एट नाइन कर लें इधर चूज ना करें मस्जिद फेसिंग प्लॉट रीसेल में अच्छी रिटर्न आपको नहीं देता ना मस्जिद फेसिंग प्लॉट ना कमर्शियल फेसिंग प्लॉट ये वाली स्ट्रीट जो है ना स्ट्रीट नंबर फाइव पे अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो डोंट चूज एनी प्लॉट ओवर देयर बिकॉज यहाँ पे आपके प्लॉट आठ प्लॉट तो मस्जिद फेसिंग है और बाकी छः प्लॉट कमर्शियल फेसिंग है तो आप घर के सामने राजा बाजार हर वक्त दसी बना रहे हैं अगर आपने प्लॉट लिविंग के लिए लेना है तो इस जगह तो लोकेशन चूजिंग का सोचे भी मत वैसे आपको लोकेशन चूजिंग का ऑप्शन मिलता है मैंने एक ये वाली स्ट्रीट रिकमेंड कर दिया है ये प्लॉट नंबर थर्टी फाइव से लेकर प्लॉट नंबर वन वन से थर्टी फाइव पैंतीस प्लाट यहाँ पे आते हैं सारे के सारे पार्क फेस हैं यानी लीनियर पार्क है एक सौ बीस फुट का पार्क है यहाँ पे तो बड़ा अच्छा पार्क बन जाता है तो इसका सैंपल आपने देखना हो तो आपको मैं बल्कि थोड़ा सा मैं इस पर एक्जैक्टिव ब्लॉग में दिखाया और इस ब्लॉग में दिखा भी देता हूँ इसका सैम्पल आपको यहाँ मिल जाता है कि लीनियर पार्क यहाँ पे सेक्टर ए और बी के दरमियान बने हुए हैं यहाँ भी मुझे अपडेट नहीं है लेकिन ये देख लें ये जो लीनियर पार्क आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेके इस तरफ बल्कि सारे लीनियर पार्क में भी काम हो रहा है लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है जिस तरह ये लीनियर पार्क है इससे आपको एरोप्लेन का एरोप्लेन का एक मॉडल मिल जाता है इसके अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है फिर आपको डूम मिल जाता है फिर आपको वॉकिंग ट्रैक मिल जाते हैं साइकिलिंग ट्रैक मिल जाते हैं तो लीनियर पार्क फेसिंग प्लॉट आर ऑलवेज अ प्रेफरेंस क्योंकि इस ब्लॉक में वैसे इन जनरल तो आपके पास ऑप्शन नहीं है चूज़ करने का प्लॉट पार्क फेस तो आपको यहाँ से एडवांटेज मिल सकता है कि आप लीनियर पार्क के सामने अपना प्लॉट चूज कर सकते हैं तो एक अच्छे बेनिफिशियल लोकेशन है ऑप्शन मिलता है तो लाजमी सेलेक्ट करें इसके अलावा जी इसमें बाकी साइज का बता दूँ प्लॉट का जो साइज़ बनता है इसमें लट से मैं इसको ये प्लॉट नंबर सत्रह ये तो खैर प्लॉट आई थिंक बारह मरले का लेकिन एक्स्ट्रा लैंड के साथ वन कनाल हो जाएगा प्लॉट नंबर सत्रह की बात करूँ तो प्लॉट नंबर सत्रह में आपको जो प्लॉट की डायमेंशन मिलती हैं फोर्टी फीट यूँ आपकी फ्रंट बनता है और 40 बाय सिक्सटी एट आपकी यूँ बनती है लेंथ अगर आप मरलों में बात करें तो मतलब 40 बाय सिक्सटी एट आपका स्क्वर फीट में आ जाएगा समथिंग तेईस सौ चौबीस स्क्वेयर फीट आ जाएगा उसके अलावा अगर आपका मरलों में निकालें तो बारह मरला स्क्वर यार्ड्स में निकालें तो आपका तीन सौ गज़ का प्लाट बनता है और इस तीन सौ गज के प्लाट पर जो आपको कंस्ट्रक्शन अलाउड है वो रेशो आपकी है सेवेंटी थर्टी यानी आपने तीन मरले थर्टी uh, परसेंट एरिया खाली छोड़ना है तो बारह में से तकरीबन आपको आठ सवा आठ मरले में कंस्ट्रक्शन की इजाजत है बाकी एरिया आपने ओपन छोड़ना है तो मेरा निकाल इसमें आपको कॉर्नर या इस तरह की चीज़ों में पढ़ना चाहिए लेकिन ये प्लाट ऐसे हैं जो कि फ्रंट बैक ओपन है बेहतरीन प्लाट बन जाते हैं तो उस लिहाज से आपको चूजिंग बनती है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर प्लॉट का ऑप्शन मिलता है तो आपको डेफिनेटली इसको कंसिडर करना चाहिए मस्जिद फेसिंग वाले प्लॉट और ये कमर्शियल फेसिंग प्लॉट नॉट रिकमेंडेड क्योंकि रीसल में मसला आएगा आप चाहेंगे बिग जय प्लॉट लेकिन मार्केट में कोई बायर नहीं होता उसका यानी आप जब प्लॉट डेवलप हो जाएंगे तो बहुत कम लोग शायद मेरे रियल स्टेट कैरियर में मुझे अब तक दो मैंबर ऐसे मिले थे जिन्होंने आके कहा था मुझे मस्जिद के सामने प्लाट तो कोई इश्यू नहीं है एक खातून थी और एक और इंडिविजुअल थे उन्होंने कहा था कि मुझे मस्जिद के सामने ही प्लाट चाहिए अदरवाइज़ मुझे मस्जिद के आसपास चाहिए तो उनके मस्जिद के सामने प्लाट अवेल करवा दिया था अदरवाइज़ लोग मस्जिद और कमर्शियल फेसिंग प्लाट मस्जिद कमर्शियल स्कूल कब्रिस्तान ये चार जो कैटेगरी हैं इनके सामने लोग प्लाट लेना प्रेफर नहीं करते ना मतलब लोग प्रेफर इसलिए नहीं करते कि आम इंडिविजुअल जो है जो आम बंदा है उसके लिए वो वो चीज़ जो है वो वैसी चीजें नहीं है तो हर बंदा इस चीज को नकारता ही है कोई बंदा इसको रिकमेंड तो बिल्कुल नहीं करता कि जी मस्जिद सामने प्लॉट हो तो प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता तो इन एनी केस अब देखते हैं प्लॉट की डेज uh, में जो चेंजेस आए हैं इसमें मैप में तो नवंबर ट्वेंटी अगर थोड़ा सा बैक करते हैं तो आपको जुलाई की इमेजेस मिल जाती हैं यहां पर जो चेंजेस आए हैं फिर मई में इमेजेस कुछ यूँ दिखाई देती थी जनवरी में इमेजेस कुछ यूँ दिखाई देती थी ट्वेंटी ट्वेंटी जुलाई में आपको इमेजेस यूँ दिखाई देते थे साइट पे और अगर हम मे की बात करें मे 2020 में तो आपको साइट कुछ क्यूँ दिखाई देती है माशाल्लाह और आज अगर साइट की मैं मैं अब ट्वेंटी ट्वेंटी से आगे की तरफ इमेजेस मूव करता हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्राइम ब्लॉक में चेंजेस जो हैं वो किस तरह के चेंजेस आए हैं अच्छा जी जुलाई में चेंजेस चेंजेज़ सारा ग्रीन एरिया गायब होना शुरू हो गया जुलाई दो में अच्छा जी जनवरी दो में ग्रीन एरिया तकरीबन ख़त्म हो गया सारा ब्राउन हो गया मई 2021 में आपके सामने ग्रीन एरिया भी खत्म हो गया स्ट्रीट का लेआउट प्लान भी डाल गया और अभी यहाँ पे प्रॉपर एसफॉल्ट हो रहा है स्ट्रीट्स पे ना प्रॉपर अभी यहाँ कारपेटिंग स्टार्ट हो जाएगी जुलाई 2021 आपके सामने इमेजेस और आप देख लेते हैं नवंबर 2021 में इमेजेस आपके सामने हैं कि तमाम स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान क्लियर हो चुका है और यहाँ से प्रॉपर आपको एक एक्सेस रोड मिलता है जो कनेक्ट करता है एक्सेस रोड टू को विद एक्सेस रोड वन अगर आप इस गेट से एंटर होते हैं तो आप इस रोड से होते हुए यानी आप इस गेट से एंटर हुए इस रोड से होते हुए आप इजीली पहले इस राउंड अबाउट पर आएंगे जिसके सामने ब्लॉक एफ e है ब्लॉक ई है तो यहाँ से आप मूव करते हुए इसी अंदर से रस्ते से होते हुए आप चले जाते हैं टू एक्सेस रोड टू मैं आपको इसमें मैप ड्रा कर दिखाता हूँ ये रोड है ये आपको नज़र आ रहा होगा मैंने ट्राई किया कि बिल्कुल एक्यूरेटली प्लॉट टू प्लॉट मैप को टैली करूं क्योंकि प्लॉट जिस तरह मैप पे शो हो रहे हैं इसी तरह प्लॉट एक्यूरेसी में जिस तरह शो हो ताकि उसमें कोई गलती का या मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो हो जाए तो ये प्लॉट आपको इस तरह से मिलते हैं ये प्लॉट है स्ट्रीट के तो आपको प्रॉपर्ली एक्सेस बनती है यहाँ से ओवरसीज़ प्राइम से आप एक्सेस रोड वन एक्सेस रोड टू तो को एक्सेस कर सकते हैं सो व्यर्ज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए या रीसेल के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो दिए गए नंबर पर रबा करें इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़